हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। बुक का नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम उसके चैप्टर 6 की बात करेंगे। अभी तक हम चैप्टर 5 जो है वो कवर अप करा चुके हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के दौरान। ये बुक एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी बुक में भी दिए गए हैं, हमने उनके कंप्लीट आंसर्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया है और किस प्रकार आपको आंसर लिखना है इस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। और ये नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे जाइए आप फोर्थ सेमेस्टर में। और एग्जामिनेशन नोट्स, एग्जाम नोट्स का एक सेक्शन बना होगा जहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, वहां पे आपको ये सारे के सारे नोट्स और साथ के साथ अन्य सब्जेक्ट के भी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से डायरेक्टली अपना नोट्स ओपन करके पढ़ सकते हैं और वीडियो का आने से पहले नोट्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है सर्व शिक्षा अभियान SSA का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और भारत में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाने में कैसे योगदान देता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है पहले तो, और दूसरा ये भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब आप कह सकते हैं कि शुरुआती एजुकेशन है, उसको बढ़ाने में किस प्रकार मदद करता है या योगदान देता है। आपने ये वाला जो पोस्टर है ये बहुत जगह देखा होगा कॉमनली। ठीक है, तो ये एक अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ये इनकी टैगलाइन है। ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े इनकी टैगलाइन है और ये एक प्रकार से अभियान है। तो इस अभियान के बारे में हम आज की वीडियो में बात करते हैं। ये फोटो आपने काफी जगह स्कूल्स की दीवारों पर या फिर स्कूल्स के दरवाजों पर बनी देखी होगी और बुक्स पे भी ये फोटो देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें आंसर की, तो सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य और भारत में प्रारंभिक शिक्षा में इसका योगदान है। तो पहले बात करें ये इसके परिचय के बारे में कि ये क्या है। सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण शैक्षिक पहलू है जिसे भारत सरकार ने 2001 में प्रारंभ किया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रदान करना। ठीक है, फ्री एजुकेशन देना इस अभियान का आप कह सकते हैं कि मुख्य कार्य था या उद्देश्य था। यह अभियान 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 को साकार करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन आप कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है हमें संविधान में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अधिनियम 2009 को साकार करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का जो अधिनियम है उसको बढ़ाने के लिए, उसको साकार करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, और बात करें SSA का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, समानता और समावेशिता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये जो अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, इसका लक्ष्य क्या बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाना, समानता को बढ़ाना और समावेशिता को सुनिश्चित करने का काम इस अभियान के अंतर्गत किया जाता है और इस अभियान के आप कह सकते हैं कि लक्ष्य बताए गए हैं। आगे देखें प्राथमिक उद्देश्य क्या थे, तो सर्व शिक्षा अभियान के कुछ उद्देश्य है वो निम्नलिखित है। पहली है सार्वभौमिक नामांकन, सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित करना और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना। ठीक है, तो पहला उसमें उद्देश्य क्या बताया गया कि भाई सभी बच्चे जितने भी हैं देश में, ठीक है, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है, उनको स्कूल में लाके एडमिशन कराना ताकि वो फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। फिर उन्हें प्रवेश, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस शिक्षा का मुख्य धारा में लाना। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको किसी भी घर के कारण की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से अगर उन्होंने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया है तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन्हें वापस शिक्षा के क्षेत्र में लाना और मुख्य धारा में लाने का काम किया जाना। फिर आता उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाकर बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अच्छे प्रकार की और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना स्टूडेंट्स को, ये भी इसके अंतर्गत इसका एक उद्देश्य बताया गया था। ठीक है, कि शिक्षा की गुणवत्ता में आप सुधार लाएंगे, शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको हम और ज्यादा बढ़ाएंगे, बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करेंगे, मतलब हर प्रकार की शिक्षा जितनी हम पढ़ा सकते हैं वो हम बच्चों को देंगे। समावेशी शिक्षा इसका चौथा पॉइंट आता है, जिसमें बताया गया है समाज के सभी वर्गों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों को शिक्षा का लाभ पहुंचाना है। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य में एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये भी है कि
समावेशी शिक्षा मतलब समाज के जितने भी लोग हैं उन सब के पास, या समाज में जितने भी बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर या फिर वंचित हैं शिक्षा से, उनको भी शिक्षा के लाभ तक पहुंचाना। पांचवा पॉइंट आता है बुनियादी ढांचा सुधार। स्कूल में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, शौचालय, पीने का पानी आदि की व्यवस्था करना, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य क्या बताया गया, सर्व शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य ये भी बताया गया कि स्कूल में जो आप कह सकते हैं कि नेसेसरी चीजें हैं जो कि आवश्यकता है जिनकी, उनको पूरा करना। जैसे कि स्कूल में पानी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, मीठे पानी, साथ में वॉशरूम। सब वॉशरूम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ समय पहले तक जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उन्हें स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे जस्ट बिकॉज क्योंकि स्कूल में अच्छा शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो अच्छे शौचालय होना एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, क्योंकि लड़का लड़कियां स्कूल आ रही है, देखिए, क्योंकि उनको कुछ समय खुले में जाना पड़ता था और ये बहुत बड़ी परेशानी थी। उसके बाद हम कहें पुस्तकालय या फिर कक्षाएं अच्छी होंगी तो बच्चे अच्छे से जो है स्टडी है वो कर पाएंगे और उनका दिमाग भी स्टीम में रहेगा, ठीक है। फिर SSA के घटक, कुछ ये जो अभियान चल रहा था सर्व शिक्षा अभियान, उसके कुछ घटकों की बात करें। पहला क्या है, बुनियादी ढांचे का विकास, जो कि हमने बात करी, कक्षाएं हो गया, कक्षाओं का निर्माण करना या फिर शौचालय, पेयजल सुविधाएं इत्यादि। शिक्षण प्रशिक्षण की बात करें तो शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमताएं विकास की योजना, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के कुछ घटक है, जो कि पहला घटक क्या था कि बुनियादी ढांचे का विकास करना। घटक से क्या तात्पर्य है कि भाई देखिए कुछ ऐसी चीजें जिनको करके वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पा रही है, ठीक है, कि भाई ये चार चीजें करने के बाद जो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य है जो कि हमने ऊपर बात करी, इनको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जो घटक है मतलब एक प्रकार से वो काम है जिनको करना आवश्यक है, जिनको करने से क्या होगा वो अपने उद्देश्य जो कि सेट किए गए थे उन कर पाएंगे। तो पहला उद्देश्य, पहला घटक क्या बताया गया कि भाई बुनियादी ढांचे का विकास करना, कि स्कूल में वही निर्माण करवाना, स्कूलों का निर्माण कराना, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करना मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस बनवाना, ताकि बच्चों की अगर संख्या ज्यादा हो तो वो वहां पे बैठ सके, ना कि एक ही क्लास में सारे बच्चों को भर दिया जाए, ठीक है। शौचालय, वॉशरूम्स अच्छे होने चाहिए, पेयजल की सुविधा का निर्माण करना, ठीक है, मीठे पानी का जो या पीने का पानी जो है उसकी सुविधा स्कूल में करवाना, उसका निर्माण करवाना। फिर दूसरा उसका घटक क्या बताया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण से तात्पर्य है कि भाई टीचर्स के लिए आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षण कराना, योजनाएं चलाना जिनसे उनकी क्षमता का विकास हो सके, जो उनकी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी का विकास किया जा सके। हो सकता है कि टीचर अभी से सफिशियंट जो अमाउंट ऑफ नॉलेज है उसके वो उसके पास हो, परंतु जब हम कुछ योजनाएं चलाएंगे तो वो अपनी नॉलेज से ज्यादा चीजें सीखेगा और वही चीजें अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर्स का प्रशिक्षण होना चाहिए। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री, उच्च गुणवत्ता की पाठ्य सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री का वितरण। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस चीज में भी ध्यान दिया गया है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनके जो पढ़ रहे हैं क्या उन चीजों की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, वो क्वालिटी के प्रोडक्ट है या नहीं है, इसी चीज के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। तो उच्च गुणवत्ता की पाठ्य सामग्री, पढ़ने योग्य जो सामग्री होती है उसे पाठ्य सामग्री कहा जाता है, ठीक है, तो उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। साथ के साथ शिक्षण सहायक सामग्री का वितरण, टीचर्स के लिए जो हेल्पफुल बुक्स हैं उनका भी वितरण किया जाए और पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स उससे अच्छे से पढ़ाई मतलब जो कि उनकी पढ़ाई में हेल्प करेगी, ठीक है। बात करें चौथे पॉइंट की या चौथे घटक की, जो कि है सामुदायिक सहभागिता। माता पिता और समुदाय को विद्यालय प्रबंधन में शामिल करना, ठीक है। माता पिता हो गए या फिर विद्या समुदाय हो गए जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, उनको विद्यालय में शामिल करना, ये एक जरूरी चीज हो जाती है जस्ट बिकॉज क्योंकि देखिए अगर माँ बाप ही अपने बच्चों को घर से स्कूल नहीं भेजेंगे तो एक इशू रहेगा, ठीक है। तो माँ बाप को समझाना, समुदाय को समझाना कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, यहाँ पे उनका भविष्य सुधारा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए माता पिता या फिर समुदाय को विद्यालय के प्रबंधन में शामिल करना, मतलब विद्यालय के प्रबंधन रिलेटेड जितने भी काम है उनसे रिलेटेड उनको करना, उनको जोड़ना, ठीक है। तो माता पिता भी स्कूल के साथ जुड़े रहेंगे, उन्हें स्कूल के बारे में पता रहेगा और नई नई चीजों के बारे में पता रहेगा, ठीक है। तो ये एक जरूरी चीज हो जाती है, ये उसके घटक है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल से जुड़ सके, ठीक है। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। प्रारंभिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का योगदान, ठीक है। SSA का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, इंग्लिश में भी हो सकता है। अभी हम बात करें इसके योगदान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किया गया। अब सुधारों की बात करते हैं कि भाई इस क्षेत्र क्या क्या सुधार हुए हैं। तो शिक्षा की सार्वभौमिकरण, SSA के तहत स्कूल में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आप देखिए सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद, ठीक है,
स्कूल में बच्चों के जो नाम लिखे जाते हैं एडमिशन्स हैं उनकी जो दर थी आने से पहले और आने के बाद चेंजेस आए हैं। आने के बाद उस दर में वृद्धि हुई, क्यों? क्योंकि देखिए सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद स्कूल्स में वॉशरूम बनाए गए, ठीक है, और जो पेरेंट्स अपने जो लड़कियां होती थी उनको स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि स्कूल में वॉशरूम नहीं होते थे, अब वो लोग स्कूल भेजने लगे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने भी एडमिशन कराया तो वृद्धि बढ़ी। साथ के साथ उस क्षेत्र में जहाँ पे माता पिता को पता नहीं था कि स्कूल में किस प्रकार की चीजें होती है, वहां से माता पिता को स्कूल के साथ जोड़ा गया तो उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजा। तो क्या हुआ, उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा, ठीक है, गाँव वाले क्षेत्रों में ज्यादा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि गाँव में देखिए माता पिता को नहीं पता होता, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें पता नहीं होता कि स्कूल में किस प्रकार की व्यवस्था है, स्कूल में भेजना चाहिए नहीं चाहिए। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि माता पिता के साथ अपना जो रोजगार के काम होते हैं उनमें लग जाते हैं। परंतु सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद इस चीज को बदला गया और माता पिता को स्कूल के साथ कुछ समझाया गया माता पिताओं को कि भाई आप अपने बच्चों को भेजिए, ये उनका भविष्य बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्कूल के जो एडमिशन है उनकी वृद्धि दर बढ़ी। फिर आते हैं ड्रॉप आउट दर की कमी। अब ड्रॉप आउट वह बच्चे जो कि कुछ समय स्कूल पढ़ के छोड़ दिया करते थे किसी कारणवश, हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, तो उसमें भी कमी आई है, ठीक है। एसएसए के प्रयास के कारण ड्रॉपआउट्स की दर में कमी हुई, जो ड्रॉपआउट स्टूडेंट्स थे उनकी दर में कमी हुई, विशेषकर लड़कियां और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने में अभियान सफल रहा, ठीक है। देखिए लड़कियां भी ड्रॉप आउट कर जाती थी काफी सारी, ठीक है, उनकी फैमिलीज कुछ समय बाद उनको स्कूल से वापसी बुला लेती थी कि स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता था। तो इस चीज में एक तो कमी लाई गई है, दूसरा ऐसे फैमिलीज या फिर ऐसा वर्ग जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, अफोर्ड नहीं कर सकता चीजों को, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद उन बच्चों को भी मुख्य धारा में लाया गया। मुख्य धारा में किस प्रकार लाया गया, क्योंकि एजुकेशन तो फ्री कर दी गई थी ना, काफी हद तक एजुकेशन फ्री थी, तो इस चीज से उनको मदद मिली और उन्होंने आप कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट जो हुए कम हुए। फिर आते हैं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार किया गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमताओं विकास के लिए पहले शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया, ठीक है। टीचर्स के लिए आप कह सकते हैं कि नए नए स्कीम्स लाए गए, नए नए प्रोग्राम्स लाए गए जिन्होंने टीचर्स की, आप कह सकते हैं कि टीचर्स की मानसिकता या फिर हम कहें उनकी नॉलेज का विकास किया है, ठीक है। नॉलेज का विकास होना एक जरूरी चीज है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस प्रकार से है कि अगर टीचर एक अमाउंट तक नॉलेज जानता है तो वो उतना ही पढ़ा पाएगा, परंतु समय के साथ साथ उस नॉलेज को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, वो और ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाएगा और उससे गुणवत्ता भी बढ़ाई जाएगी। वो नई नई टेक्निक सिखाई जाएंगी टीचर्स को, ठीक है, कि आपको किस प्रकार पढ़ाना है, तो ये ठीक है। तो शिक्षा की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ, टीचर्स के विकास जो शिक्षा है उसमें सुधार हुआ, उच्च गुणवत्ता की पाठ्य सामग्री, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की और जिसमें बहुत सारी नॉलेज हो ऐसी किताबें तैयार की गई, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री के वितरण, ठीक है, शिक्षा के लिए जो आप कह सकते हैं सामग्री है उनको तैयार किया गया और वितरण भी किया गया जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई। फिर आता है चौथा पॉइंट बुनियादी ढांचे का, जो कि हमने बताया बुनियादी ढांचा क्या होता है कि स्कूल का भाई नेसेसरी चीजें स्कूल में होनी चाहिए, जैसे कि शौचालय, पीने का पानी की सुविधाओं में सुधार किया गया, इससे स्कूल में छात्रों की उपस्थिति और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ी। फिर आता है पांचवा पॉइंट समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन। एसएसए के तहत विशेष कर वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई, ठीक है। ऐसे ये जो योजना थी सर्व शिक्षा अभियान, इसके अंतर्गत विशेष रूप से वह बच्चे जो कि वंचित है शिक्षा से, ठीक है, और आर्थिक रूप से कोई उनको प्रॉब्लम है, वर्ग कमजोर है आर्थिक रूप से, उनके ऊपर अलग से योजनाएं बनाई गई, ठीक है। वो योजनाएं उनकी हेल्प करती थी ताकि वो स्कूल में आए, ठीक है, उस योजनाओं का फायदा उठाए। इससे समाज के सभी वर्गों को शिक्षा का लाभ मिला। देखिए इससे समाज का जो काफी बड़ा वर्ग है उससे शिक्षा का लाभ मिला। आप देखिए इससे क्या, एक ये भी हो सकता है कि मिड डे मील भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि मिड डे मील स्कूल में एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम तक स्कूल में बच्चों को मिलाया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि हम काफी हद तक देते हैं, बट एक लिमिटेड क्लास तक बच्चों को मिड डे मील मिलता था। अब दूसरा ये है कि मिड डे मील से क्या फायदा है, मिड डे मील से फायदा है कि बच्चों को स्कूल में टिकाने का और रास्ता मिलता है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है स्कूल में, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, पीने का पानी है, तो सारी सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध है, तो ये भी एक जरूरी चीज है। फिर आता है सामुदायिक सहभागिता, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं हो सकता है पॉइंट यहाँ पे रिटर्न ना हो, आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, आपको बस पॉइंट पता होना चाहिए और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। एसएसए ने माता पिता और समुदाय के विद्यालय के प्रबंधन में शामिल करने की पहल की, इससे विद्यालय की गुणवत्ता और प्रबंधन में भी सुधार है। अब क्या हुआ, एसएसए ने माता पिताओं को और समुदाय के बड़े बड़े लोगों को किससे जोड़ा, स्कूल के साथ जोड़ा, प्रबंधन में उनको शामिल किया, जिससे क्या हुआ, प्रबंधन में सुधार आया। फिर अब चुनौतियों की बात करते हैं, चुनौतियां और सुधार की दिशा। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, फिर भी कुछ चुनौतियां तो सामने आती है। देखिए कोई भी काम करें आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम इतना ईजी है कि आप इजिली उसको कर पाएंगे, ठीक है। जब भी आप कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं चुनौतियां हमेशा सामने होती है। बात करें गुणवत्ता की चुनौतियां,
सभी क्षेत्रों में शैक्षिक गुणवत्ता में समानता लाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी है, शिक्षा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, उन सब में अगर आपको चेंजेस लाना है, समानता लाने की कोशिश करनी है, तो आपको निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहना होगा, और वो बिना प्रयास करने के समय आपको चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। अब ड्रॉपआउट्स के लिए ड्रॉपआउट भी एक चुनौती है। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चे कुछ समय तक पढ़े, स्कूल छोड़ दिया, तो उन्होंने जितने शिक्षा ग्रहण के लिए वो तो ठीक है, परंतु जहाँ उन्होंने स्कूल छोड़ दिया वहां से इनकी शिक्षा बिगड़ गई, तो ये भी एक चुनौती थी, उस चीज को कम करना। कुछ क्षेत्रों में अभी भी ड्रॉपआउट्स की दर बनी हुई है, जिससे कम करने के लिए आर्थिक प्रयास की आवश्यकता है। अब देखिए काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ पे स्कूल्स तो हैं, पर बच्चे क्या करते हैं कि उच्च ड्रॉपआउट्स मतलब ड्रॉपआउट करने की जो दर है वो काफी ज्यादा है। ड्रॉपआउट से क्या कि भाई वो किसी ना किसी कारणवश छोड़ ही देते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस चीज को कम करने के लिए आर्थिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, आर्थिक रूप से मतलब धन की कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा पैसों का, जिससे कि बच्चों को आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी एक अभी चुनौती बनी हुई है। फिर बात करें शिक्षकों की कमी, टीचर्स की कमी काफी ज्यादा है स्कूल्स के लिए। ठीक है, कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिससे दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीकों से कार्य करना आवश्यक है। ठीक है, टीचर्स की कमी हो गई है, इसके जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर आपको सर्व शिक्षा अभियान को अच्छे से चलाना है, तो उसके लिए एक चुनौती ये भी है कि टीचर्स की कमी है। और देखिए काफी हद तक होता है गांव में, शहरों में आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई टीचर पढ़ाने ही आता है। ठीक है, ये मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि गांव में शहरों में जो स्कूल्स है वहाँ पे टीचर्स हमेशा ही पढ़ाने आते हैं, भले ही बच्चा पढ़ने वाला बैठा हो सकता है टीचर ना पढ़ाने आए, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, चुनौती है सर्व शिक्षा अभियान के लिए, तो टीचर्स की कहीं ना कहीं हद तक कमी है, और इस चीज को कम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, मतलब योजना बनाकर पूरी तरीके से काम करना होगा, तभी ये चुनौती खत्म होगी। फिर आता है चौथा पॉइंट, सुविधाजनक सुविधाओं की कमी। कई ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। आप देखिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर पॉइंट में बताया, ठीक है, कि जो बेसिक नीड्स है स्कूल में जो बच्चों को चाहिए ही चाहिए, मीठा पानी हो गया, अच्छे क्लासरूम हो गए, क्लासरूम अच्छे भी तो नहीं पर एक ऐसे क्लासरूम हो जो कि बच्चों के लिए सेफ हो। ठीक है, पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, और शौचालय हो गया। अब ये सब चीजों की भी बेसिक नीड्स भी स्कूल में उपलब्ध नहीं है, तो ये भी एक इश्यू है, ये भी एक चुनौती है। प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं, पर चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इसी के कारण बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल। ठीक है, फीमेल्स नहीं आ पा रही है स्कूल्स में जस्ट बिकॉज, क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं है, तो इस चीज को दूर करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चुनौती भी है। तो ये था आपका कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। ठीक है, ये उसके बारे में आप कह सकते हैं निष्कर्ष दिया गया, आप निष्कर्ष पढ़ सकते हैं बेसिकली, अगर आप ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको निष्कर्ष लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये है कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बेसिक डिटेल सारी बचा होनी चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन के दौरान इसको एक ही बार में पढ़ के आंसर लिख पाए। क्वेश्चन नंबर दो आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, ठीक है, के प्रमुख फोकस क्षेत्रों की व्याख्या करें और माध्यमिक शिक्षा विकास के संदर्भ में इसके महत्व को बताइए। ठीक है, तो जो अभियान चलाया गया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके जो क्षेत्र थे किस क्षेत्रों में इनका प्रमुख फोकस था उनको बताना है, और साथ के साथ ये बताना है विकास के संदर्भ में क्या महत्व है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपने ये लोगों काफी जगह देखा होगा। ठीक है, देख सकते हैं RMSA। ठीक है, ये वैसे तो ये आसाम का है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दो पढ़े चलो बढ़े चलो, ये इनका लोगो है। ठीक है, तो मेनली ये अभियान चलाया गया था, ये अभियान का लोगो आपने भी काफी जगह देखा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस अभियान के बारे में और इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रमुख फोकस क्षेत्रों की व्याख्या और उसके माध्यमिक विकास के संदर्भ में। आंसर देखते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का शुभारंभ 2009 में होता, मतलब 2009 में ये जो कार्यक्रम है या अभियान है ये लाया गया। इसका उद्देश्य था भारत में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना। अब देखिए जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था जो कि था सर्व शिक्षा अभियान, वो आप कह सकते हैं कि छोटे क्लास वालों के लिए था। ठीक है, ये वाला माध्यमिक शिक्षा के लिए है। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न नीतियां और कार्यक्रमों का संचालन किया गया ताकि अधिक से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ठीक है, नई नई नीतियां लाई गई और आप कह सकते हैं अभियान चलाए गए, मतलब ये अभियान के अंतर्गत नीतियां लाई गई और कार्यक्रम प्रोग्राम्स चलाए गए, जिनके माध्यम से क्या हुआ, जो आप मेन जो मुद्दा था वो था कि छात्रों की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, गुणवत्ता शिक्षा मिले तो उस चीज को बढ़ाना, तो ये काम इस चीज ने इस अभियान ने किया। फिर देखें RMSA का मुख्य लक्ष्य 14 से 18, देखिए पिछला बार वाला क्या था कि 3 से 14 के वर्ष में था, अब ये 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना था।
ठीक है, उनको किसमें शामिल करना था, मुख्य धारा में शामिल करना था। यहाँ पे देखिए 6 से 14 वर्ष के लिए कौन सा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, इसको याद रखिए 6 से 14 वर्ष के लिए सर्व शिक्षा अभियान, और 14 से 18 वर्ष के लिए जिसमें आप कह सकते हैं कि 9th 10th 11th 12th क्लास आती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इन दोनों अभियान का नाम, इनके समय लाइन, ठीक है, कौन से वर्ष का बच्चा आता है इसमें, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। क्वेश्चन अगर आता है अभियान से रिलेटेड तो आपको ये चीज वहां पे मेंशन करनी होगी। 2009 में ये चालू किया गया था और इसका मुख्य काम क्या था कि भाई जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको माध्यमिक शिक्षा वो भी उच्च प्रकार की प्राप्त की जाए, ठीक है। प्रमुख फोकस किन किन क्षेत्रों में था, उन चीजों क्षेत्रों की बात करते हैं, तो विद्यालयों की संख्या में, विद्यालयों की संख्या और पहुंच में वृद्धि, ठीक है, विद्यालयों ज्यादा से ज्यादा विद्यालय बनाए जाए और बच्चों की ज्यादा से ज्यादा वहां तक पहुंच हो। RMSA के अंतर्गत, RMSA के अंतर्गत सरकार ने नए विद्यालयों की स्थापना की और मौजूद विद्यालयों का उन्नयन किया, ठीक है, उन्नयन से तात्पर्य यह है कि उनकी मरम्मत करवाई गई, उनको और ज्यादा अच्छे से बनाया गया ताकि माध्यमिक शिक्षा की पहुंच अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। इसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े इलाकों या क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ाना है जिससे बच्चों का समान अवसर मिल सके। अब क्या है, देखिए समझिए, विद्यालयों की संख्या से क्या व्यापार है यहाँ पे कि एक तो न्यू जो स्कूल्स हैं डेवलप किए गए जिसमें माध्यमिक शिक्षा अराउंड 12th तक जो एजुकेशन है वो दी जाए, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा कि जो उपलब्ध है ऑलरेडी उनकी अच्छे से मरम्मत कराना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर विद्यालयों की संख्या ज्यादा होगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर विद्यालय होगा तो बच्चे वहां पे भी जाके एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक जो चलाया गया है RMSA, ठीक है, ये जो अभियान चलाया गया RMSA, इसका यही एक पहला आप कह सकते हैं कि क्षेत्र था। फिर बात करें दूसरा, भौतिक संसाधनों का विकास, विद्यालय में आवश्यक भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जैसे कि कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और स्वच्छता सुविधाएं। इसका उद्देश्य छात्रों को एक स्वस्थ और सुरक्षित शिक्षा वातावरण प्रदान करना था, ठीक है। संसाधन, भौतिक संसाधन से तात्पर्य है कि देखिए अगर हम यहाँ पे उच्च माध्यमिक या फिर माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उस 9th से 12th तक के आपको प्रयोगशाला की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है, लैब्स की भी, आपको लाइब्रेरी की भी वहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है, क्लासेस तो आप सबसे नीड चीज है, साथ में बच्चे अगर कोई खेल के सेक्टर में जाना चाहता है तो उनके लिए खेल का मैदान और स्वच्छता की सुविधाएं दी जाने लगी, ठीक है। तो ये भौतिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये बिल्कुल प्राप्त होनी चाहिए। इसका उद्देश्य ये था कि ताकि स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिल सके बच्चों को, लोग बच्चों को शिक्षा की। फिर आता है शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण, टीचर्स की भर्ती, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की भर्ती और उनके लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों से तकनीकों से परिचित हो सके, ठीक है। न्यू टीचर्स की भर्ती करवाना और साथ में कार्यक्रम प्रोग्राम्स चलाना, ठीक है, नियमित रूप से प्रोग्राम चलाते रहना ताकि जो टीचर्स हैं ऑलरेडी भी हैं जो भर्ती हैं और जिनकी भर्ती हो रही है उनको हेल्प मिल सके नई नई विधियां सीखने में, ठीक है। विधियों से तात्पर्य है कि भाई किस प्रकार से उन्हें पढ़ाना है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके ये सब उनको सिखाए जाने लगे, विधियां सिखाए जाने लगी, उनकी नॉलेज को बढ़ाया जाने लगा ताकि वो टेक्नोलॉजी से भी परिचित रहे और विधियों से भी परिचित रहे। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षकों के पास विशेष विषय ज्ञान और शैक्षणिक कौशल हो जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, ठीक है। ये पक्का करना है कि टीचर्स के पास जो भी सेक्टर वो, जिस भी सेक्टर का या फिर जिस भी सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर पॉलिटिकल साइंस का है तो उसको पॉलिटिकल साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ये चेक करना, ठीक है, इस सभी अभियान के अंतर्गत का काम है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम में सुधार, देखिए वही बेसिक चीजें हैं, ठीक है, हर अभियान में अपने अपने काम होते हैं और काम लगभग सेम होते हैं। अब इसमें क्या है, शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम में सुधार, भाई जो बुक्स पढ़ने योग्य है, ठीक है, उनके अंतर्गत विकसित करना, 9th से लेकर 12th तक की जो बुक्स है उनको विकसित करना, ठीक है, उनमें अच्छा कंटेंट डालना, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और नॉलेज डालना ताकि बच्चों को पढ़ने में मदद मिले। 5वां पॉइंट, आप ये पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है, आप ये समझ जाएंगे कि शैक्षिक सामग्री, शिक्षा के लिए जो सामग्री उपलब्ध की जाती है और जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है उसमें सुधार करना। फिर आता है विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान देना, केवल शैक्षिक विकास ही नहीं बल्कि छात्र के समग्र विकास पर भी ध्यान देना, जिसमें सह शैक्षिक गतिविधियां, खेल, कला आदि शामिल है, ठीक है। ऐसा ना हो कि केवल बुक्स की नॉलेज दी जाए, उनको बुक्स की नॉलेज को छोड़ के भी और सारी भी चीजों में उनका विकास किया जाए, जैसे कि अगर वो क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं तो उनको क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, खेल में वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो खेल में बढ़ावा देना, सह शैक्षिक गतिविधियां करवाना चाहते हैं तो उन गतिविधियों में उनको। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से भी मजबूत हो, ठीक है। ये जो विद्यार्थी के समग्र विकास है इसमें ये तय किया जाता है या फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो मानसिक रूप से मजबूत हो, शारीरिक रूप से मजबूत हो और सामाजिक रूप से मजबूत हो, ठीक है। फिर आता है समावेशी शिक्षा,
सभी छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, विशेषकर वंचित और हाशिए पर होने वाले समूह के बच्चों को। ठीक है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज देना, चाहे वो वंचित हो चाहे वो हाशिए पर हो। ठीक है, वंचित ऐसे बच्चे होते हैं जो कि भाई किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए या फिर उन्हें पता ही नहीं था उस बारे में, तो वो वंचित है, उन्हें पता ही नहीं है, तो विशेषकर उन बच्चों के ऊपर ध्यान दिया गया ज्यादा से ज्यादा। और हाशिए पर जो कि खत्म होने वाले हैं या जो बिल्कुल छोड़ने वाले हैं उनके ऊपर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसमें लड़कियां, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, अल्पसंख्यक और विकलांग बच्चे भी शामिल है। ठीक है, लड़कियां हो गई क्योंकि काफी लंबी सबने जो बेटियां होती हैं उनको नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, गांव में शहरों की बात कर रहे हैं, अगर हम शहरों की बात करें तो काफी फैमिली समझ चुकी है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो भेजते हैं। पर अगर गांव के शहरों की बात करें तो जिन फैमिलीज को थोड़ा भी अंदाजा नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता है, वो नहीं भेजते। ठीक है, हमने ऊपर भी पॉइंट्स की बात करी थी कि वॉशरूम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये पॉइंट मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप एग्जामिनेशन के दौरान इस पॉइंट को भी वहां पे लिखें। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट एक जरूरी चीज है। तो इसमें जो समावेशी शिक्षा कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा जाए, जिसमें लड़कियां भी आती हैं, ऐसी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे जिनको मौका ही नहीं मिला शुरुआत में पढ़ने का, ठीक है, तो उनको भी जोड़ना। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे लोगों को जोड़ना। और विकलांग बच्चों को सबसे ज्यादा जोड़ना है। ठीक है, विकलांग बच्चे, अधिकार तो उन्हें भी है पढ़ने का, जिस प्रकार हमें है, जिस प्रकार सबको है, उसी प्रकार उन्हें भी अधिकार है, तो उन्हें भी जोड़ना। ठीक है, और मुख्य धारा में लाना। इनके लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वे मुख्य धारा में शिक्षा का लाभ उठा सके। ठीक है, इनके लिए क्या करे जाते हैं, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स लाई जाती है, कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वो मुख्य धारा के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के साथ लाभ उठा सके। फिर आती है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, IT। ठीक है, ICT की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समावेश, जिससे शिक्षा के स्तर को उन्नत हो सके, छात्रों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का उपकरण का ज्ञान हो सके। ठीक है, आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी चीजें स्कूल्स में सिखाई जा रही हैं, वो भी एक जरूरी चीज है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स पीछे रह जाएंगे उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में, उन चीजों को समझने में, तो वो समय में बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल चीजें हैं, उनको समझाने और डिजिटल ही उनको शिक्षा देना एक जरूरी चीज है, और इनके लिए उपकरणों का यूज किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा विकास के संदर्भ में, माध्यमिक शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके विकास के संदर्भ में, RMSA का क्या महत्व है? पहला आता है शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें RMSA का महत्व क्या है, जो अभियान चलाया गया तो उसका क्या महत्व है? तो पहला महत्व क्या है कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार किया गया इस अभियान के द्वारा। RMSA के माध्यम से शिक्षकों और प्रशिक्षण सामग्री सुधार और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार किया गया। ठीक है, अब ये जो अभियान चलाया गया था, इसी अभियान के द्वारा आप कह सकते हैं कि टीचर्स को, एक तो अभियान जो कार्यक्रम है उनमें टीचर्स को जोड़ा गया, ठीक है, उनका प्रशिक्षण किया गया, साथ के साथ शैक्षिक सामग्री में सुधार, जो पढ़ाने के लिए जो किताबें यूज की जाती थी उनमें सुधार किया गया। ठीक है, और भौतिक संसाधन जो स्कूल में बेसिक नीड्स होती हैं उनका भी उपलब्ध कराया गया, और ये किसके द्वारा किया गया, इस अभियान के द्वारा किया गया। इससे क्या हुआ, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ, इससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है जो उन्हें बौद्धिक विकास में सहायक करते हैं। ठीक है, अगर अच्छे प्रकार की शिक्षा मिल रही है स्टूडेंट्स को तो उनका बुद्धि का विकास भी तेजी से होगा। शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना, ठीक है, इस अभियान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मतलब शिक्षा की पहुंच को भी बढ़ाया गया। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नए विद्यालयों की स्थापना और मौजूद विद्यालयों का उन्नयन कर शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया गया। ठीक है, नए नए स्कूल्स बनाए गए, साथ के साथ न्यू जो पुराने स्कूल्स थे उनका विकास किया गया। इससे पहले शिक्षा से वंचित रहे बच्चों का विद्यालय जा पा रहे हैं और जिससे साक्षरता दर। अब क्या हो रहा है कि भाई जो बच्चे शिक्षा से वंचित थे कुछ समय पहले तक, अभियान के आने से पहले तक, अब वो भी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और साक्षरता दर क्या होती है कि एजुकेटेड पीपल्स की, मतलब जो कि साक्षर है या जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी जो दर है उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये भी एक जरूरी चीज है, आपको ये साक्षरता दर वाला भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से ये आप हर जगह लिख सकते हैं, हर अभियान में लिख सकते हैं, जो भी अभियान एजुकेशन के सेक्टर में चलाया गया है ना, आप उससे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ बना के याद रखना है कि साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, एजुकेशन के लिए जो भी अभियान चलाया गया उसका मेन मुद्दा क्या था कि बच्चों को एजुकेट करना, और एजुकेट करने के लिए अगर एजुकेट करेंगे तो सीधा सीधा क्या बढ़ेगा, साक्षरता दर बढ़ेगी इंडिया की, तो इसमें होगा। फिर आता है तीसरा पॉइंट, लड़कियां और वंचित समूहों के लिए अवसर बढ़ाना, लड़कियों के लिए और ऐसे समूह जो कि वंचित है उनके लिए नए नए अवसर को प्रदान
करना। चौथा पॉइंट क्या आता है, प्रवेश और नामांकन में वृद्धि। देखिए हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ भी रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ को नहीं, तो आप ये सिंपली आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ के। बाकी आपको नोट्स हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी कम लेंथी हो इसीलिए हम इन चीजों को कर रहे हैं। और ये पॉइंट हम ऊपर भी पढ़ चुके कि लड़कियां, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और विकलांग बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं, प्रवेश और नामांकन में वृद्धि। अब क्या हो रहा है, नए नए बच्चे एडमिशंस ले रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं स्कूल में, एडमिशंस ले रहे हैं, तो उसमें वृद्धि हुई है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश और नामांकन में वृद्धि हुई है। RMSA के तहत चलाए गए अभियान और जागरूकता कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक बच्चे विद्यालयों में आ रहे हैं, नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो माध्यमिक शिक्षा है उसके लिए बच्चों ने एडमिशंस भी लिया है, साथ ही साथ वो कॉन्टिन्यूअसली पढ़ाई भी कर रहे हैं। फिर सर्वांगीण विकास की बात करें तो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ये जो अभियान चलाया गया था उसके महत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में RMSA का जो अभियान चलाया गया उसके महत्व की बात कर रहे हैं। तो सर्वांगीण से विकास से क्या हुआ कि भाई उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास हो रहा है, उनको पढ़ाई को छोड़ दे और भी चीजों में उनकी हेल्प करी जा रही है। अगर वो क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं, खेल में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज में जानते हैं, तो उनकी हेल्प की जा रही है। फिर डिजिटल साक्षरता, डिजिटली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समाज और राष्ट्रीय का विकास में योगदान, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट भी एक जरूरी है कि कोई भी अभियान चला रहा है वो कहीं ना कहीं भारत की मदद कर रहा है, भारत के राष्ट्र को मदद कर रहा है, योगदान दे रहा है अपना, ठीक है। RMSA के माध्यम से छात्र की गुणवत्ता और शिक्षा प्रदान कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाया जा रहा है, जिससे वे समाज में और राष्ट्र के विकास के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सक्षम हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा व्यक्ति है वो साक्षर हो रहा है, साक्षरता प्राप्त कर रहा है, ठीक है, एजुकेटेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देश के विकास में हेल्प करेगा ही, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आप कह सकते हैं कि कंप्लीट निष्कर्ष दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष जो हमने चीजें ऊपर पढ़ी है वही चीजें यहाँ दी गई हैं, आप निष्कर्ष पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये जो कंप्लीट चैप्टर 6 था, ये था आपका पूरा का पूरा अभियान पे बेस, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए गए हैं, ठीक है। तो अभी अभियान की बात कर लेते हैं, इस वाले अभियान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई सा भी अभियान पूछा जा सकता है, तो आपको सारे के सारे अभियानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, RUSA, RUSA का महत्व और रणनीति बताते हैं आपको यहाँ पे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के सुधार में कैसे योगदान दे रहा है, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थान, ऐसे संस्थान, संस्थान या फिर इंस्टीट्यूशंस जो कि हाई लेवल एजुकेशन दे रहे हैं, उनके सुधार में कैसे योगदान दे रहा है, और इसकी रणनीति के बारे में आपको घटक घटक बता दे रहे हैं। बात करें परिचय की, ठीक है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने का उद्देश्य से शुरू किया गया था, और प्रमुख सहकारी कार्यक्रम है, ठीक है, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट से रिलेटेड करता है, ठीक है। इससे पहले वाले भी हैं पर ये प्रमुख रूप से सरकारी कार्यक्रम है। प्रमुख का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है, भारत में जो हाई लेवल एजुकेशन है, हाई एजुकेशन है, उसकी गुणवत्ता में और उस तक बच्चों की पहुंच में सुधार लाने का काम इसका है। इसका उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना, उनकी बुनियादी संरचना को मजबूत करना, शैक्षिक परिणामों में सुधार लाना काम, ठीक है। इसका संस्थान के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो गुणवत्ता बढ़ाना है, ठीक है, बुनियादी संरचना को मजबूत करना, जो बेसिक चीजें उनको मजबूत करना, और शिक्षा के जो परिणाम है उनको बढ़ाना है, उनको सुधार करना है। RUSA की रणनीति विभिन्न घटकों पर केंद्रित है, जो कि शिक्षा प्रणाली में विभिन्न विभिन्न क्या कहते हैं पहलुओं को मजबूत करने का काम करती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ घटकों के बारे में और बाकी पॉइंट्स के बारे में। RUSA के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य क्या है, गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है। प्रत्येक चलाया गया कार्यक्रम का मेन काम ये भी है कि वो गुणवत्ता में सुधार कर रहा है, ठीक है। जो भी एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल था अभियान आने से पहले, अभियान आने के बाद उस एजुकेशन सिस्टम में गुणवत्ता या क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। अगर कहीं कमी है तो उस चीज को सॉल्व करना, अगर सिलेबस में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करना, ये इनका प्रमुख काम था। तो उच्च शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक और प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कि ऐसे संस्थान जो कि हाई लेवल एजुकेशन देते हैं, ठीक है, और प्रशासनिक संरचना को उनको सुदृढ़ करना। फिर वित्तीय सहायता प्रदान करना, राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार कर सके, ठीक है। राज्यों को वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से क्या सहायता प्रदान करना ताकि उनके यहाँ पे जो भी उच्च शिक्षा के संस्थान उपलब्ध हैं, ठीक है, उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। समानता और समावेशिता, सभी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा
पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है, समाज का कोई सा भी वर्ग हो उन सबको उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने का काम। फिर चौथा आता है प्रबंधकीय सुधार, संस्थानों की प्रशासनिक और प्रबंधकीय दक्षता का बढ़ाना, ठीक है, जो भी बड़े बड़े संस्थान है, ठीक है, जो उच्च शिक्षा प्रदान कराते हैं, ठीक है, उनके प्रबंधन जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको और ज्यादा सुधार करना, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उस चीज को भी सॉल्व करने का काम इसी अभियान के अंतर्गत आता है। RUSA की रणनीति की बात करें तो प्रमुख घटक बताए गए हैं। पहला आता है संस्थागत सुधार, उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार लाने के लिए नीति और प्रक्रियाओं का पुनर्गठन, ठीक है, जो भी नीतियां चल रही थी या जो प्रक्रियाएं चल रही थी इस अभियान के आने के बाद उन चीजों में पुनर्गठन किया गया, उनको दोबारा से तैयार किया गया, अगर कोई कमी है तो उसको पूरी तरह से नीति को नया बनाया गया, ठीक है, तो संस्थागत मतलब पूरी की पूरी संस्था में ही सुधार कर दिया गया इस अभियान के आने के बाद और इस अभियान के द्वारा, ठीक है। इसमें संस्थानों की सत्ता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करना और दक्षता में सुधार करने का उपाय शामिल। अब क्या हुआ कि देखिए इन संस्थानों में संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ाना मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करना। अब देखिए इस चीज को समझिए कि हम यहाँ पे किन संस्थानों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि वही यहाँ पे उच्च शिक्षा एजुकेशन देते हैं, ठीक है। स्कूल्स तक आप 1ली से 12वीं तक एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको कॉलेजेस स्कूल योर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को कुछ हद तक क्या देना, स्वतंत्रता देना, ताकि वो अपना सिलेबस खुद बना सके, अपने पूरी की पूरी व्यवस्था खुद चला सके। तो पहले तो उनकी संस्थानों की जो सत्ता है उनको बढ़ा देना, ठीक है, जवाबदेही सुनिश्चित करना कि अगर कुछ होता है, कोई कमी निकलती है, तो उसकी जवाबदेही कौन देगा ये सुनिश्चित करना इस, ठीक है, संस्था में। अभी हम संस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो अभियान चलाया गया था RUSA, ठीक है, इस अभियान के द्वारा संस्था में सुधार किया गया, तो सुधार के लिए क्या क्या पॉइंट आए थे कि भाई सुधार करने के लिए सबसे पहले तो उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी गई, ठीक है, अगर हम कॉलेज का उदाहरण ले, किसी भी कॉलेज का एक उदाहरण लेते हैं, कॉलेज को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई, ठीक है, ये तय किया गया कि अगर कॉलेज में कुछ गलत होता है किसी भी प्रकार से, एजुकेशन के सेक्टर में हो गया, किसी भी अन्य प्रकार से, तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा ये सुनिश्चित करना, और दक्षता में सुधार करना, ठीक है, जो भी एजुकेशन दी जा रही है उसकी दक्षता कितनी है, उसमें चीज में सुधार करने का काम पड़ता है। वित्तीय पोषण, राज्य को धनराशि प्रदान करना ताकि वे उच्च शिक्षा संस्थानों की बुनियादी संरचना और गुणवत्ता में सुधार कर सके, ठीक है, राज्यों को विशेष रूप से धनराशि देना ताकि उनके क्षेत्र में जो भी आप कह सकते हैं कि उच्च संस्थान है, शिक्षा के संस्थान है, उनकी बुनियादी बेसिक जो नीड्स है उन चीजों को पूरा करना, ठीक है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। यह वित्तीय संस्था यह वित्त पोषण संस्थानों के आवश्यक उपकरण, तकनीक, संसाधन, अनुसंधान, सुविधा प्रदान करने में सहायक होते हैं, ठीक है, ये जो पैसा दिया जाता है ये संस्थानों को आवश्यक उपकरण है, भाई संस्थान में कोई उपकरण है तो उसके लिए, तकनीक संसाधन के लिए और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये पैसा यूज किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है गुणवत्ता में सुधार के लिए, हम क्या बात कर रणनीति की बात कर रहे हैं, उसके प्रमुख घटक, ठीक है, गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों और प्रशंसकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, पाठ्यक्रम में सुधार और शिक्षण विधियों को आधुनिक बनाना, ठीक है, तो टीचर्स हैं या फिर जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, प्रकाशकों, उनके लिए नए नए कार्यक्रम चलाना ताकि वो अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सके, गेन कर सके न्यू न्यू चीजें, ठीक है, और विधियों को समझ सके और आधुनिक विधियों जो विधियां हैं उनको बनाना। फिर बात करें यह सुनिश्चित करना कि सभी संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शिक्षा दे रहे हो, ये एक जरूरी चीज है, ये तय करना कि जो भी उच्च शिक्षा संस्थान है वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वो दे रहा हो, ऐसा ना हो कि वो शिक्षा दे रहा है एकदम लो लेवल की परंतु उसको धन सारी सुविधाएं दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है, तो ये तय करना, और ये कौन तय करता है, ये तय करता है, ये अभियान के अंतर्गत काम किया जाता है ये, ठीक है, तो ये तय करना कि ये जो संस्थान है ये राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों, अंतर्राष्ट्रीय मानक मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्राइटेरिया के अनुसार शिक्षा दे रहा हो, ठीक है। फिर समानता और समावेशिता, समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, भाई सेम सी बात है कि समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना कि भाई समाज में अगर कोई ऐसा वर्ग है जो कि नहीं पढ़ पा रहा है, वंचित है उन चीजों को, तो उनको भी बढ़ावा देना ताकि वहाँ और एजुकेशन प्राप्त करें। इसके लिए विशेष छात्रवृत्ति, छात्र सहायता कार्यक्रम और शैक्षणिक संस्थानों सेवाएं की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि भाई छात्रवृत्ति आप कह सकते हैं कि छात्रों की सहायता करवाना, कार्यक्रम चलाना ताकि छात्र आके इन कार्यक्रमों में भाग ले और अपनी हेल्प करें। फिर आता है प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण, राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए ये भी एक जरूरी चीज है कि भाई जिस भी राज्य का उच्च शिक्षा संस्थान अच्छा प्रदर्शन करता है
इसको उस हिसाब से शिक्षा के लिए मतलब वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए विभिन्न मापदंड और राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जैसे कि संस्थानों की गुणवत्ता, शिक्षण के परिणाम और अनुसंधान की प्रगति। ठीक है, आपको पता होगा इसके लिए। ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक या दो कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो कि अपने सेक्टर में सबसे हाई फाई है। ठीक है, भाई हम बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज की या फिर टॉप कॉलेजेस की, सिर्फ ड्यू की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली हम उसके बाहर ये भी बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज या फिर टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो अलग अलग स्टेट्स में है। ठीक है, तो वो अपनी गुणवत्ता के आधार पर ये दिखाते हैं कि हाँ भाई हमने कितना प्रदर्शन किया है। ठीक है, प्रदर्शन के आधार पर उनको वित्तीय पोषण दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के मापदंड, इसके लिए अलग अलग प्रकार के मापदंड है, मतलब ये नापा जाता है मापने के लिए क्या भाई, हाँ भाई इसने इतना अच्छा करा तो इसको इतनी सुविधाएं दी जाएगी, उसने इतना अच्छा करा तो उसको सुविधा जाएगी। जैसे कि संस्थानों की गुणवत्ता, संस्थान की गुणवत्ता किस प्रकार की, शिक्षण के परिणाम क्या निकले और अनुसंधान की प्रगति क्या है। फिर आता है स्थानिक, संस्थानिक विकास, संस्थान का विकास के बारे में। तो उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना और मौजूद संस्थान का उन्नयन, इसमें नई विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना और मौजूद संस्थानों में नए पाठ्यक्रम की शुरुआत शामिल है। ठीक है, नए नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाना और साथ के साथ जो बनी हुई है कॉलेजेस उनकी मरम्मत पे ध्यान देना। ठीक है, और इसमें क्या आता है, इसमें विश्वविद्यालय आता है, कॉलेजेस, महाविद्यालय आता है, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, की स्थापना करवाना और मौजूद है उनका पाठ्यक्रम की शुरुआत शामिल करना। ठीक है भाई, आप कह सकते हैं कि उनका जो सिलेबस है कहीं ना कहीं अगर उनके सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस करे जा रहे हैं तो वो ठीक है। ठीक है, फिर बात करें अनुसंधान और नवाचार। अनुसंधान गतिविधि को बढ़ावा देने और संस्थानों में नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अनुसंधान की गतिविधियों को बढ़ावा देना, अनुसंधान में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उनको बढ़ावा देना कि काम जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है, और संस्थानों में नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहित करना। भाई जो भी संस्थान है, जैसे कि कोई कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज की तो अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो क्या है कि नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भाई नए नए विचारों की जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहित करना कॉलेज के अंतर्गत। इसके लिए विशेष अनुसंधान फंड, प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग शैक्षणिक साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि अनुसंधान के लिए फंड्स को बनाना या फिर प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, जहाँ की लैब्स की स्थापना करना और औद्योगिक, सॉरी, उद्योग शैक्षणिक साझेदारी, बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनके साथ साझेदारी करना ताकि स्टूडेंट्स को वहां से भी हेल्प मिल सके और वो नई चीजें सीख सके। प्रासंगिकता की बात करें तो, महत्व की बात करें तो सेम वही महत्व है, गुणवत्ता में सुधार करने का काम करा है। ठीक है, बुनियादी जो ढांचा है उसमें सुधार करने का काम करा है, समानता और समावेशिता का काम करा है। समानता और समावेशिता का, भाई जो भी वर्ग है, वंचित है, महिलाएं हैं, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, प्रदर्शन आधारित वित्तीय पोषण जो कि हमने ऊपर बात करी, और अनुसंधान में नवाचार, मतलब नए नए विचार करना। ठीक है, साथ के साथ नई टेक्नोलॉजीज का यूज करना अपने स्कूल या कॉलेज के, सॉरी, कॉलेज के अंतर्गत। अब बात करें निष्कर्ष की, तो जो भी पॉइंट हमने ऊपर बात करे हैं वो सारे के सारे निष्कर्ष में आप यहाँ देख सकते हैं। हम निष्कर्ष को ज्यादा समझाते नहीं बिकॉज क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे देखने को मिल जाएंगे, आप जाके इनको इजिली पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऐप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ऐप है, आप इंटरनेट पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके वहां पे सर्च करिए DUSL, तीसरे या चौथे नंबर पर हमारा ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। तकरीबन 4,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो हमारे ऐप को करंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के दौरान सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तो आप प्लीज जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, ये नोट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे, आपके हेल्प हो जाएगी, आपको नोट्स बाय करने नहीं पड़ेंगे कहीं से भी। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा कि बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं, वही इंपॉर्टेंट है और वही चीजें हम करा रहे हैं। ठीक है, जो अभियान इंपॉर्टेंट है छठे चैप्टर में, वो हमने आपको करा दिया। ठीक है, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कराया तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दो टेलीग्राम है, एक ब्रॉडकास्ट है, एक चैनल है, आपको जो ज्वाइन करना आप कर सकते हैं। ठीक है, सारे नोट्स के लिंक, कॉलेज से रिलेटेड अपडेट्स और सारी चीजें, वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको वहां देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, आपका कोई भी इशू डायरेक्टली इंस्टाग्राम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, YouTube को सब्सक्राइब करके जाइए, और सब्जेक्ट से जो चैप्टर्स है वो जल्दी हमारे वीडियो, सॉरी, चैनल पे आएंगे। ठीक है, तो आप वेट करिए उसके लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ब्लॉगर्स पे अभी हमने नोट डालना चालू नहीं कराया, तो आप ब्लॉगर्स को छोड़ दीजिए। बात करें इस सब्जेक्ट से, नोट्स भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये जो PDF हम पढ़ा रहे हैं ये आपको सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाते हैं और प्ले जो
और सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो डाउनलोड कर लेते हैं अलग प्रकार के नोट्स, और इंपॉर्टेंट नोट्स उनको उसमें नहीं मिलते तो फिर वो हमसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि आप जाइए नोट्स बाय करने से पहले नोट्स का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, देन उसके बाद नोट्स को डाउनलोड या बाय करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।